गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे हैं आप लोग सब? तो जबरदस्त वाली तैयारी इस वक्त में आप लोग फाउंडेशन की कर रहे हैं, और मैं श्योर हूं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं लगभग इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त में रात के 10:30 बज रहे हैं, और आप लोग जरूर जग ही रहे होंगे और बढ़िया वाली तैयारी के अंदर लगे होंगे। अब देखो, वैसे तो आईसीए के मॉक भी चल रहे हैं और भी सेंटर्स पे भी मॉक चल रहे हैं, सब जगह जहां पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं पे टेस्ट जो है वो चल रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग एकदम अपनी तैयारी को फाइनल टच देने वाले हो, तो हम 25 डेज की एक स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को वापस से पॉलिश कर सकते हैं इन 25 दिनों के अंदर। तो कल से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, और लगभग लगभग 18-19 तारीख तक की हम बात कर लें, 20 जून को आपका पेपर है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे तैयार कर सकते हैं कि 25 से 28, यानी 25, 26, 27, 28, मतलब हम 4 4 दिन का पहला एक स्लॉट ले रहे हैं 4 डेज का। तो पहला जो 4 डेज का स्लॉट है हमारा 28 तक, उसमें हम तैयार कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के रिवीजन को वापस से। उसके बाद में 29 से लगा करके 1 तक का जो हमारा स्लॉट रहेगा, उसके अंदर हमारा लॉ जो है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो सकता है बराबर से। फिर उसके बाद में 2 to 5, यानी 2 जून से 5 जून हम इकोनॉमिक्स की हमारी तैयारी कर सकते हैं, और फिर 6 से लगा करके 9 जून तक हम लोग कर सकते हैं हमारे मैथ्स और स्टेट्स की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। यानी अब आप कोर्स तो सारा कुछ कर चुके हैं, रिवीजन पोर्शन के अंदर आप लोग हैं, तो आई थिंक 4 डेज का हमारे पास में जो टाइमिंग है मोर देन सफिशियंट है सारी चीज़ों को वापस से रिकॉल करने के लिए। अच्छा, आप चाहें तो लास्ट में जाके 1 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा तो आप बफर रख सकते हो। बफर का मतलब क्या हुआ कि आप चाहें तो जैसे लॉ को आपको 1 दिन ज़्यादा देने की जरूरत पड़ रही है, तो आप लॉ में 5 दिन दे दीजिए, क्योंकि पीछे जाके हमारे पास में 2 3 दिन का यहाँ पे भी टाइम स्लॉट जो है वो बचने वाला है, 2 1 दिन का स्लॉट हमारे हाथ में भी बचेगा। अब जब आप यहाँ पे आगे 9 तारीख तक अपना सारा काम कर चुके होंगे, 4 4 डेज का रिविजन लगा चुके होंगे, तो फिर क्या करना चाहिए, 10 to 11, 10 और 11, 2 दिन, 2 दिन वापस से लॉ को दीजिए आप, है ना। 10 से 11 वापस लॉ में जो ऊपर छूट गया हो, या बीच में लॉ में 5 6 दिन का गैप आ गया तो कुछ रिकॉल करने की इच्छा आपकी हो रही है, तो 2 दिन में उसको करिए। 12 और 13, 12 और 13 को आप वापस इकोनॉमिक्स तैयार करिए। 14 15 को वापस से मैथ्स ले लीजिए, या इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं इसको। तो 14 15 आपने फिर से मैथ्स ले लिया। अब हमारे पास 16 17 18 और 19, 20 को आपका पेपर है, तो 16 और 17, 18 19 में मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आप अकाउंट्स की तैयारी कर लो, तो 16 और 17 का 2 दिन अभी भी हमारे पास में है। अब ये 2 दिन मैंने वो ऊपर आपको जो कहे थे कि बफर में आप डाल सकते हो, जहां आपको लग रहा है कि सर लॉ में स्टार्टिंग में 4 की जगह 5 डेज देने हैं, या जो सेकंड वापस हमने जो 2 दिन किया उसकी जगह 3 दिन करना है, वो आप जैसा चाहें। क्योंकि अकाउंट्स मुझे लगता है कि 18 और 19 के 2 दिन आपके अकाउंट्स के लिए मोर देन सफिशियंट होंगे अब, क्योंकि पहले ही आप इसको कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं 25 डेज में, बहुत शानदार वाली तैयारी जो है वो वापस से कर सकते हैं। अब बढ़िया चीज ये है कि इस टाइम पीरियड में अब नया कुछ भी पढ़ना, नया मक्का मतलब ये हो गया कि आपने जो कोर्स किया उसी को वापस से रिवाइज करो। अब आपको लगता है कि कहीं से और नया मटेरियल हाथ में आ गया, कहीं से कुछ और नया पढ़ लें, कुछ और कोई चीज और एक्स्ट्रा पढ़ लें, तो अब वो समय नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन में आएंगे। तो जो आपने किया है, जिस भी स्टडी मैट से किया, जिस भी बुक से किया, उसी को वापस से रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से सारे प्रोविजन कंसेप्ट, और इस बीच में अगर टाइम निकाल के जो हमारे लॉ वाले सब्जेक्ट्स हो गया जैसे मेरा, उसमें आप कुछ रिटन प्रैक्टिस भी और करना चाह रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो आप उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस बीच में कोई टेस्ट अपना देना चाह रहे थे जो 2 दिन बाद के मैंने डाले हुए हैं, जैसे लॉ में आपने स्टार्टिंग 4 दिन पढ़ाई किया, बाद के 2 दिन में आप चाह रहे हैं कि हम रिटर्न पेपर कुछ लेकर के बैठ जाएं और हम पिछले साल का पेपर पूरा सॉल्व कर लें, 3 आवर्स में होता है कि नहीं होता है, या इस बार के MTBs को हम वापस से रिटर्न में सॉल्व करके देख लें, तो पिछली बार वाले में तो 60 मार्क्स के रहेगा, तो अभी वाले में आप मॉक टेस्ट को देके देखना चाह रहे हैं, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं बराबर से। तो ये सारा सजेशन, लेकिन सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना है। जैसे राजस्थान की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने सेहत का, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, खाना पीना बराबर करना है, नींद प्रॉपर तरीके से लेनी है ताकि दिमाग में टेंशन नहीं रहे, टेंशन हमारा कम रहे, तो नींद प्रॉपर बढ़िया पढ़ाई करिए। बहुत टाइम आपके पास में है दिन के अंदर भी पूरा, अभी तो आप 10 11 12 घंटे पढ़ सकते हो, कोचिंग्स आपकी सारी खत्म हो गई हैं, बुक्स आपके पास है, आप हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहें, अपने को रिलैक्स दें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जहाँ कोई डाउट आता है, कन्फ्यूजन आता है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, बहुत बढ़िया तरीके से आप डाउट जो है तैयारी करके डाउट पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं, आप लोगों को फटाफट से सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो बढ़िया सी तैयारी करिए। तो ये 25 डेज स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों के लिए खास, ऑल दी बेस्ट।